Hello students, in this session we are studying about one of the industrial application of potentiometer. Potentiometer as audio control device. In our previous session हमने पढ़ा potentiometer as a voltage divider. Now we are studying potentiometer as audio control device. Basic से start करते हैं. पहला सवाल, what is a potentiometer? दूसरा सवाल, what is the principle of potentiometer? तीसरा सवाल, how does a potentiometer works? एंड स्टूडेंट्स, ये तीनों क्वेश्चंस का आंसर्स मिलने के बाद ही हम समझ सकते हैं हाउ टू अप्लाई अ पोटेंशियोमीटर एज ऑडियो कंट्रोल डिवाइस. सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज अ पोटेंशियोमीटर? सबसे पहले हम ये समझ ले, अ पोटेंशियोमीटर is also called as pot. It is also called as pot meter. तो बेटा ये तीनों एक ही है. Famous नाम कौन सा? Potentiometer. But you should know it is also called as pot, which is also called as pot meter. A potentiometer is a three-terminal variable resistor, जिसमें हम resistance को manually vary कर सकते हैं. It acts like an adjustable voltage divider. What is the principle of potentiometer? The potential difference between any two points on a potentiometer wire is directly proportional to its corresponding length. That is, VAP is directly proportional to L. आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. VAP is equals to K times of L. Now this K is definitely a constant. As per the concept of potentiometer, this constant K is called as potential gradient. So VAP is equals to potential gradient multiplied by L. That is okay बेटा, but principle तो यहाँ पे है ना. VAP is directly proportional to L. We think it that way. हम एक potentiometer wire consider कर लेते हैं. Potentiometer wire AB. क्या length है इसका? L, capital L, total length है, right? Okay. So the potential difference between these two points is directly proportional to total length, which is capital L. एक काम करिए, आप एक point P1 consider कर लीजिए on potentiometer wire AB. I consider length AP1 is equals to L1. The potential difference between these two points AP1 is directly proportional to L1. We consider one more point on potentiometer wire AB. Let's say that point is P2. ये जो length है students, AP2, I consider that as L2. The potential difference between these two points, AP2, on this potentiometer wire is directly proportional to L2. As per principle of potentiometer, the potential difference between any two points on a potentiometer wire is directly proportional to its corresponding length.
तो जैसे 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 लेंथ इंक्रीज होता जाएगा, उन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होता जाएगा। जैसे 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 लेंथ डिक्रीज होता जाएगा, उन दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी डिक्रीज होता जाएगा। एज पर प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, वी ए पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। आई टेल यू फॉर द लास्ट टाइम, एज पर प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन अ पोटेंशियोमीटर वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कोरोस्पोंडिंग लेंथ। ओके, तीन में से दो सवाल के जवाब आपके पास रेडी है। तीसरा सवाल, हाउ डज अ पोटेंशियोमीटर वर्क्स एज फार एज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इज कंसर्न। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एक लेआउट ड्रॉ कर लेते हैं। मैं तीन पिन नाम दूंगा बेटा, तीन पिन को मैं नाम दूंगा, पिन वन, पिन थ्री। पिन नंबर वन इज फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, नाम ही सजेस्ट कर रहा है, दिस इज फिक्स्ड, ये हिलने वाला नहीं है, पिन वन। सेम इज वैलिड फॉर पिन थ्री, पिन थ्री इज ऑल्सो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट। इन दोनों के बीच में यहां पे पिन टू है, पिन नंबर टू, राइट, पिन टू। इसे हम कहते हैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। पिन नंबर वन फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, पिन नंबर थ्री फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, पिन नंबर टू स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। इनपुट वोल्टेज मैं अप्लाई करने वाला हूं बिटवीन पिन नंबर वन एंड पिन नंबर थ्री। आउटपुट वोल्टेज वी विल गेट इन बिटवीन पिन नंबर वन एंड पिन नंबर टू। थोड़ा पेशेंस रखो बेटा, पूरा मैं आपको स्टेप वाइज बता रहा हूं। हाउ डज अ पोटेंशियोमीटर वर्क्स? अ पोटेंशियोमीटर वर्क्स बाय वेरिंग द पोजीशन ऑफ दिस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट अक्रॉस दिस यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस। द इनपुट वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द होल लेंथ ऑफ द रेजिस्टर। मतलब इनपुट वोल्टेज होगा वोल्टेज बिटवीन पिन नंबर वन एंड पिन नंबर थ्री। वॉट अबाउट आउटपुट वोल्टेज? आउटपुट वोल्टेज इज एक्चुअली द वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन फिक्स्ड कॉन्टैक्ट एंड स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। आई रिपीट, आउटपुट वोल्टेज इज द वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन फिक्स्ड कॉन्टैक्ट एंड स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। स्टूडेंट्स, हमारे ये वाले लेआउट में मैंने वी आउटपुट लिया है बिटवीन पिन नंबर वन एंड पिन नंबर टू, वन एंड टू के बीच। लेट मी टेल यू, हम लोग इसे पिन नंबर टू एंड पिन नंबर थ्री के बीच में भी ले सकते थे। मैंने क्या कहा आपसे, आउटपुट वोल्टेज इज द वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन, टेल मी, फिक्स कॉन्टैक्ट एंड स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। बेटा ये भी तो फिक्स कॉन्टैक्ट ही है ना, सो वी कैन टेक आउटपुट वोल्टेज बिटवीन पिन नंबर वन एंड टू, और दैट मीन्स वी हैव वन मोर ऑप्शन इन बिटवीन पिन नंबर टू एंड पिन नंबर थ्री। समझेगा ये सिंबल ऑफ पोटेंशियोमीटर, पिन नंबर वन फिक्स कॉन्टैक्ट, पिन नंबर थ्री फिक्स कॉन्टैक्ट। इन दोनों फिक्स कॉन्टैक्ट्स के बीच वी हैव अ यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस एंड स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज एट पिन नंबर टू। सो दिस शुड बी द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। नाउ लेट मी रिमाइंड यू स्टूडेंट्स दैट पोटेंशियोमीटर्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट लीनियर पोटेंशियोमीटर, ऑल्सो कॉल्ड एज स्लाइडिंग पोटेंशियोमीटर। सेकेंड रोटरी पोटेंशियोमीटर। एक लेक्चर पहले हमारा ये दोनों टाइप्स ऑफ पोटेंशियोमीटर के ऊपर डिस्कशन हुआ है। एंड स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि दोनों में सिर्फ कंस्ट्रक्शन का फर्क है। मतलब ये जो हम एप्लीकेशन का आज के सेशन में डिस्कशन कर रहे हैं,
पोटेंशियोमीटर एज ऑडियो कंट्रोल डिवाइस, उसमें हम दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। एंड फॉर रेफरेंस टुडे वी आर गोइंग टू कंसीडर रोटरी पोटेंशियोमीटर। तो अभी क्या करेंगे, रोटरी पोटेंशियोमीटर के की पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे एंड फिर हम लोग हमारे एप्लीकेशन पे कंसंट्रेट करेंगे। ओके Now we are concentrating on internal view of a rotary potentiometer. Then हम समझेंगे potentiometer as audio control device. But right now we are concentrating on internal view of a rotary potentiometer. It has got total 3 pins, pin number 1, pin number 2, pin number 3. This semicircular track is termed as resistive track. This section is wiper. A wiper is also called as sliding contact. A rotary potentiometer consists of two terminal contacts, pin number 1 and pin number 3, with uniform resistance. It is placed in the shape of a semicircle. Now, what about middle terminal? The middle terminal, that is pin number 2, is connected to the resistance via a sliding contact, that is a wiper, which is attached to the rotating knob. मतलब हम knob को rotate करेंगे, ये wiper यानी sliding contact rotate होगा, and accordingly we can vary the resistance of potentiometer. It means अगर हम home theater का example consider करें तो हम वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं, बास एडजस्ट कर सकते हैं, ट्रेबल एडजस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज इनपुट सिग्नल। रोटरी पोटेंशियोमीटर पिन नंबर 1, 2, 3। दिस इज स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट which is also called as wiper. Input is applied between pin number 1 and pin number 3. यहाँ हमने ग्राउंड किया हुआ है। In this application, मैं आउटपुट लेने वाला हूँ between pin number 2 and pin number 3. आप ऐसा कंसिडर करिए कि आपके पास जो होम थिएटर सिस्टम है, आपको उसका वॉल्यूम एडजस्ट करना है। आपको वॉल्यूम डिक्रीज करना है, आपको वॉल्यूम इंक्रीज करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट रोटेटिंग नॉब इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नॉब को हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, मतलब ये जो वाइपर है ये भी तो ऐसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। व्हेन दिस हैपेंस, इस तरफ के रेजिस्टिव ट्रैक का जो लेंथ है इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। मतलब इस तरफ के सेक्शन का जो रेजिस्टेंस है दैट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एंड बिकॉज ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ द सिग्नल कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। मतलब हम नॉब को एंटी क्लॉकवाइज घुमा के वॉल्यूम को डिक्रीज कर सकते हैं। यू कैन थिंक रिवर्स ऑफ इट,
हम नॉब को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। व्हेन वी डू दैट, नॉब के साथ साथ ये जो वाइपर है, ये जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, ये भी तो क्लॉकवाइज घूमेगा ऐसे। व्हेन दिस हैपेंस, द लेंथ ऑन दिस साइड ऑफ रेजिस्टिव ट्रैक कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, बिकॉज ऑफ दैट रेजिस्टेंस ऑफ दैट सेक्शन कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो वॉल्यूम है सिग्नल का, रेजिस्टेंस कम हो रहा है बेटा, तो सिग्नल का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता जाएगा। दैट मीन्स बाय रोटेटिंग नॉब इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम सिग्नल का जो वॉल्यूम है उसे इंक्रीज कर सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल मैंने आपको वॉल्यूम के लिए बताया। आप सेम प्रोसीजर बास के लिए, आप सेम प्रोसीजर ट्रेबल के लिए कर सकते हो। दिस कॉन्सेप्ट इज मेनली यूज फॉर नंबर वन फ्रीक्वेंसी एटेन्यूएशन, नंबर टू लाउडनेस कंट्रोल, नंबर थ्री फॉर कंट्रोलिंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडियो सिग्नल्स। सो आज के सेशन में हमने पढ़ा पोटेंशियोमीटर एज ऑडियो कंट्रोल डिवाइस। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर एज अ सेंसर।